विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई बुनाई फल सब्जी विक्रेता ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट फेस्टिवल का शुभारंभ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। कृषि विभाग लगातार किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर इस तरह के प्रयास कर रहा है, जिसमें काफी हद तक विभाग सफल भी हुआ है। कृषि मंत्री उनियाल का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से किसानों को एक मंच मिलता है। पहले जो खान पान केवल गरीबों को बताया जाता था, वह बड़े घरों के किचन में भी नजर आने लगा है। पूरी दुनिया में मिलेट्स की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि जो इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, आज सारी दुनिया इस तरह भाग रही है। एक समय कहते थे गरीब का खाना है, लेकिन आज ये जो बड़ा वर्ग है, जो इलिट वर्ग आपका है, उसमें इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे जो इस राज्य के उत्पाद को एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में किस तरह हम इस्टेब्लिश कर सकें, इसके लिए आवश्यक था कि इस तरह के आयोजन किए जाएँ। और अब इस तरह के आयोजन से मैं समझता हूँ जो हमारे मिलेट्स प्रोड्यूस हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्टेब्लिश होकर एक ब्रांड के रूप में इनकी मान्यता बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान की आय बढ़ेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में आज उद्धम सिंह नगर के कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें यशपाल आर से प्रेरित होकर कई लोगों ने घर वापसी की, जिसमें मुख्य रूप से सुरेश गंगवार और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष उद्धम सिंह नगर रेणु गंगवार और 24 जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थापा। इसके अलावा कुल 78 लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जनपद उधम सिंह नगर को हमने एक तराई का हमारा गुलदस्ता है, जिसमें हर तरह का फूल है। वहाँ पर फूल का मतलब इन द सेंस हर वर्ग वहाँ रहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे राय सिख हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बुक्सा हो, चाहे थारू हो, चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति, हमारे तराई का एक गुलदस्ता है जनपद उधम सिंह नगर। हमने उस गुलदस्ते को और उस फूल को पालने के लिए एक माली की तरह काम किया है, और उसके माली के रूप में और जो बगीचे के मालिक हैं वो आदरणीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और पूरे सूबे के जो मुखिया रहे, जिनके नेतृत्व में हमने राजनीति सीखी है, आदरणीय श्री हरीश रावत जी, मेरे बड़े भाई हरिंद्र लाडी जी, बबलू उर्फ मतीउर रहमान जी, हमने उस गुलदस्ते की खुशबू को महकते महकते देहरादून से क्या दिल्ली तक उसकी महक को पहुँचाना और महक को हमेशा कायम रखना है। इस नाते इस महक को कायम रखने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। कोई हम में से कोई बदला थोड़ी है, सब लोग वो हैं। देखिए, हम सब लोग, कुछ सवाल थे हमारे, ऐसा नहीं है कि जो मेरे ट्वीट से झलक गए, कुछ सवाल थे उनका, जिस तरीके से भी पार्टी के अंदर निराकरण हो सकता था वो रास्ता ढूंढ लिया गया है और धीरे धीरे सब बात आपके सामने आती जाए। उत्तराखंड में आज शाम से पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम खराब होने की संभावना है। उत्तराखंड मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में 27 तारीख की शाम से 29 तारीख तक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी होगी, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश होगी। प्रदेश के 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की पूरी संभावना है और मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
पुलिस ग्रेड पे 4600 करने का मामला एक बार फिर से गूंजने लगा है। अब पुलिस के परिजनों ने आर पार की लड़ाई की चेतावनी सरकार को दे दी है। दरअसल पुलिस शहीद दिवस के दिन सीएम धामी द्वारा पुलिस ग्रेड पे 4600 रुपए करने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई शासन आदेश जारी न होने से पुलिस परिजन सरकार के खासा नाराज हैं। हमारी ये मांग है कि जो एक साल से हमारा 4600 ग्रेड पे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमें, और 21 नवंबर को मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि 4600 ग्रेड पे पास हो गए, लेकिन उसका जीओ अभी तक पास नहीं हुआ है। खाली घोषणाएं करी है इन्होंने। हमारे डीजी साहब ने 10 दिन पहले हमें आश्वासन दिया था, हमें अपने ऑफिस में बुलाया था, हमें बोला था कि एक हफ्ता रुक जाओ, और माननीय मुख्यमंत्री ने सेक्रेटरी साहब को ऑर्डर कर दिया है कि 4600 जीओ पास होना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। आज 10 दिन हो गए हैं, कौन सी हमारी माननीय मुख्यमंत्री पे और हमारी डीजी साहब पे कौन सी विडंबता आ गई है कि जो हमारा 4600 ग्रेड पे पास नहीं कर रहे हैं। एक वालों का 2 महीने ऊपर हो गया है, 2 वालों का अप्रैल में आने वाला है। हमने तो 16 तक, हमारी मांग है कि 16 तक हमें ग्रेड पे चाहिए, 16 के बाद जो भी होगा उसका मानदेय अलग होगा। किच्छा से सटे गांव शांतिपुरी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सैनिक सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर पूर्व सैनिक और महिलाओं के समूह के अध्यक्षों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लगातार देश के जवान सीमा पर अपनी जान निछावर करते हैं और सन 1971 की लड़ाई लड़ने वाले जवानों को अपने देश के प्रति सम्मान देने का समय है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।